अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ स्टेट। फॉर्म्स ऑफ स्टेट, इसमें तीन किस्म के फॉर्म्स हैं। यूनिटरी सिस्टम स्टेट का, नंबर दो पे है फेडरल सिस्टम ऑफ स्टेट और कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब पहले नंबर पे है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी अंग्रेजी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो यूनिट से निकला है और इसका मतलब होता है वाहिद, यानी ऐसी रियासत जिसके अंदर एक हुकूमत होती है। और यूनिटरी सिस्टम जो है ऐसे ममालिक के लिए बेहतरीन होता है जिस का इलाका छोटा होता है, यानी दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं के जो इलाके लिहाज से छोटे हैं। दूसरे नंबर पे है फेडरेशन। फेडरेशन सिस्टम ऑफ स्टेट, ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ फ्यूडस से निकला है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे फेडरल सिस्टम कहते हैं। फ्यूडस लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उससे फेडरेशन अख़ज़ किया गया है। और फ्यूडस का मतलब होता है मुहाइदा करना, यानी ऐसी स्टेट जिसके साथ छोटी और बड़ी स्टेट्स मिलकर एक स्टेट को तशकील देती हैं या एक स्टेट की फॉर्मेशन करती हैं, और वो अपने तमाम इख्तियारात से दस्तबरदार हो जाती हैं और अपने तमाम इख्तियारात फेडरेशन को दे देती हैं। यानी एक सेंटर होता है, एक वफाक होता है, और वो वफाक बाकी स्टेट्स के अंदर जो यूनिट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट, इसमें स्टेट का एक ही इलाका होता है, और फेडरेशन में एक सेंटर होता है और उस स्टेट के अंदर डिफरेंट और भी इलाके होते हैं जिनको मरकज़ कंट्रोल करता है, फेडरेशन कंट्रोल करती है। तीसरे नंबर पे है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन में किसी भी स्टेट के साथ दूसरे ममालिक अपना इल्हाक कर लेते हैं और उनका कुछ मकसद होता है इल्हाक करने का। वो अपने पास इख्तियारात भी रखते हैं, लेकिन वो किसी भी स्टेट के साथ उनका एक मुहायदा हो जाता है और अपने कुछ मकासद हासिल करने के लिए उन्हें उस मुहायदे की पाबंदी करनी पड़ती है। अब हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट, इसकी डेफिनेशन आप देखें। डॉक्टर फेज़, इन्होंने यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट की डेफिनेशन की है। इन द यूनिटरी सिस्टम ऑल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन द सेंटर, यानी जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें तमाम जो पावर्स यानी इख्तियारात हैं वो एक मरकज़ के पास होते हैं। अब इसके हम फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मरकज़ होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि एक ही हुकूमत होती है और उस यानी पूरे मुल्क को एक सेंटर कंट्रोल करता है। एक ही पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मुंतखब नुमाइंदे यानी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पूरे मुल्क से वोट लेकर आते हैं, उसी एक ही पार्लियामेंट में बैठते हैं और तमाम मुल्क के लिए एक ही तरह के कवानीन बनाते हैं। तो इसी तरह जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है। दूसरे नंबर पे है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल होती है, क्योंकि स्टेट का एक ही इलाका होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट को डिफरेंट इलाकों में तकसीम किया जाता है। आगे चल के इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। यानी जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस अलहदा से यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट में कायम किए जाते हैं। बहरहाल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह है कि पूरे मुल्क को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तकसीम किया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक मेंबर इलेक्ट होकर पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाता है
और पूरे मुल्क के लिए फिर वहाँ से कानून साजी होती है। तीसरे नंबर पे है लेस एक्सपेंडिचर, यानी अखराजात जो हैं वो कम होते हैं। साफ जाहिर है कि सादा गवर्नमेंट होती है और उसके अंदर एक ही गवर्नमेंट है, एक ही पार्लियामेंट होती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के जो आपके सिलेबस में शामिल है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उसमें लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी है। तो यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही लेजिस्लेचर होती है, एक ही पार्लियामेंट होती है, यानी लेजिस्लेचर कॉमन वर्ड है। हर मुल्क में इसके नाम डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर इसको पार्लियामेंट कहते हैं। तो एक ही पार्लियामेंट होती है और एक ही पार्लियामेंट पूरे मुल्क के लिए जब कानून साजी करती है तो इसके अखराजात कम होते हैं बनिस्बत फेडरल सिस्टम ऑफ स्टेट में, कि जिसमें एक ही स्टेट के अंदर डिफरेंट किस्म की गवर्नमेंट्स होती हैं और उनके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट के, ठीक है। आगे देखें स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि पूरे मुल्क को एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब इसमें जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसियाँ बनाती है और पॉलिसियों पर जो अमल दरामद होता है वो सिविल सर्वेंट करते हैं, ठीक है, जिनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम देते हैं, ठीक है, और पूरे मुल्क को, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें तकसीम किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका जो एग्जेक्टिव है उनसे रابطہ होता है, और जैसे ही कोई पॉलिसियाँ बनती हैं तो उन पे फौरी ही अमल दरामद शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट देखें रीजनल इंस्टीट्यूशन। अब रीजनल इंस्टीट्यूशन जो है, फॉर एग्जांपल बरतानिया के अंदर लोकल लेवल पे इदारे मौजूद हैं जिन्हें हम मकामी इदारे कहते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। अब इन जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके जो भी मामलात हैं, यानी इनको जो भी इख्तियारात दिए जाते हैं, पावर्स दी जाती हैं, उनको डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहे उनसे वो पावर्स वापस भी ले लेती है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी भी होती है कि इनको चेक भी करे और इनके पावर्स में कमी बेशी भी कर सकती है। स्टेबल गवर्नमेंट, अब स्टेबल गवर्नमेंट होती है क्योंकि इसमें क्योंकि सूबाई हुकूमतें या दूसरी जो हुकूमतें हैं, अब सूबाई हुकूमतों के बारे में मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट यूनिट्स कॉमन वर्ड के तौर पे डिफरेंट यूनिट्स का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर मुल्क में जो फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट में जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं हर मुल्क में इनका नाम डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की स्टेट में चार यूनिट्स हैं जिनको हम सूबे कहते हैं, सूबाई हुकूमतें कहते हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं, यानी 50 यूनिट्स हैं जो मरकज़ के साथ जिनका इलहाक है। हम उन यूनिट्स को स्टेट्स कहते हैं, यानी एक तो स्टेट का वर्ड हम कंट्री के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो अमेरिका के अंदर यूनिट्स का इलाक है उनको भी हम स्टेट कहते हैं। तो इसी तरह हिंदुस्तान में भी यूनिट्स को सूबे कहा जाता है, ठीक है। तो यूनिट कॉमन वर्ड के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो स्टेबल गवर्नमेंट इसलिए होती है क्योंकि एक ही जगह से कानून बनते हैं और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन फ़ौरन ही शुरू हो जाती है, और जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट है इसमें किसी भी किस्म के कोई भी अगर ऐसे हालात अचानक पेश आ जाते हैं तो गवर्नमेंट आसानी से उन पे कानून साजी कर सकती है। आगे देखें इसके मेरिट्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम, इसकी
इसमें तकरीबन वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि इसके खसूसियात में हम लोगों ने देखी हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी मज़बूत हुकूमत होती है। मज़बूत हुकूमत इसलिए होती है क्योंकि इसमें ये मसला नहीं होता कि जो पावर्स हैं वो मरकज़ से हट के दूसरे यूनिट्स में तकसीम होंगे। अब सारे जो पावर्स होती हैं गवर्नमेंट को चलाने के वो एक ही मरकज़ में होते हैं और इस वजह से ये गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है। सिंपल गवर्नमेंट होती है, जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया है कि पूरे मुल्क से जो आवाम के नुमाइंदे हैं वो वोट लेकर आते हैं और एक ही पार्लियामेंट में बैठे होते हैं और वहीं से ही जो भी कानून बनता है वो पूरे मुल्क पे लागू होता है। कंटिन्यूएशन इन पॉलिसीज़ यूनिटरी सिस्टम में इसकी ये खूबी है कि इसमें मुल्क की लेवल पे जो भी पॉलिसियाँ बनती हैं उनमें तसलसल होता है क्योंकि जो पावर्स हैं वो मरकज़ के पास होते हैं और उनके यानी कोई दूसरी हुकूमतें नहीं होती जो उनकी पॉलिसीज़ में रखना अंदाजी करें। ठीक है, तो इस वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी किस्म के दबाव का शिकार नहीं होती, तो इस वजह से उनकी पॉलिसी में पॉलिसीज़ जो बनाती हैं गवर्नमेंट उनमें तसलसल होता है। सिमिलैरिटी इन लेजिस्लेचर यानी एक ही किस्म की लेजिस्लेचर होती है यानी कानून बनाने वाला जो इदारा है वो एक ही होता है और एक ही तरह की कानून साजी करता है। इसके मुकाबले में अगर हम फेडरेशन सिस्टम ऑफ स्टेट में देखें तो उसमें जो दूसरी सूबाई हुकूमतें होती हैं वो अपने सूबे के हिसाब से अलग कानून साजी करती हैं और मरकज़ अलग कानून साजी करता है, यानी इनके अंदर इख्तियारात की तकसीम होती है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट में लेजिस्लेचर में सिमिलैरिटी होती है, एक ही तरह का कानून होता है जो कि पूरे मुल्क पे लागू होता है। सूटेबल इन एमरजेंसी, अब एमरजेंसी में क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल मामलात हो तो वो फौरन ही कानून साजी कर सकती है। एंड ऑफ टेरिटोरियल इश्यूज, इस सिस्टम में किसी किस्म के इलाकई मसाइल नहीं होते क्योंकि इसमें डिफरेंट यूनिट्स ही नहीं होते, तो इस वजह से ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि छोटे ममालिक के लिए सूटेबल है और इसमें इलाकई हुकूमतें नहीं होती। तो इलाकई हुकूमतों का एक नुकसान ये भी होता है कि हर इलाके में छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो ख़ास तौर पे इलेक्शंस के दौरान ये पॉलिटिकल पार्टीज़ तासुब पैदा करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो इस यूनिटरी सिस्टम में इस किस्म के मामलात नहीं होते, तो इस किस्म के यानी टेरिटोरियल इश्यूज भी इसमें नहीं होते। आगे देखिए डी मेरिट्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम। अब जहाँ पे कोई भी सिस्टम होता है उसकी जहाँ पे खूबियाँ होती हैं वहाँ पे उसकी खामियाँ भी ज़रूर होती हैं। अब इनको हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे आप देखें डिक्टेटरशिप ऑफ सेंटर, यानी एक ही ज़ाहिर है यहाँ पे हुकूमत होती है सेंटर की, तो उसकी डिक्टेटरशिप होती है। यानी डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है कि एक ही किस्म की यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह समझाती हूँ कि बरतानिया के अंदर अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसके अंदर बरतानिया में जो उनका शहर है लंदन उसकी आमरियत है, यानी उसमें बाकी जो इलाके हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। जो दूसरे इलाके होते हैं दूसरे शहर होते हैं उनके जो मसाइल होते हैं उनको हल करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उस यानी जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम होता है जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोगों के अंदर फिर नफ़रत के जज्बात फ़रोग पाने लगते हैं। तो इस हवाले से वहाँ पे यानी उस मुल्क की सलामती को ख़तरा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और बैकवर्ड एरियाज़ को नज़रअंदाज किया जाता है।
दूसरे नंबर पे देखें डिक्टेटरशिप ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की आमरियत इसमें हमें नज़र आती है, क्योंकि एक ही पार्लियामेंट होती है और उसके अंदर एक ही पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी की आमरियत होती है, तो वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने मकासद के लिए वहाँ पे कवानीन बनवाती है, और इससे वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की बरतरी का एहसास जो है वो जन्म लेता है। प्रेशर ऑफ वर्क, अब जहाँ पे फेडरल सिस्टम है वहाँ पे काम का प्रेशर यानी काम का बोझ ज़्यादा होता है। अब जहाँ पे काम का बोझ ज़्यादा होता है यानी एक ही गवर्नमेंट है उसने पूरे मुल्क के मसाइल पे तवज्जो देनी होती है, तो पार्लियामेंट के अंदर काम का बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा काम की वजह से वहाँ पे कुछ कानून ऐसे भी हैं जो गलत बन जाते हैं और वो फिर सिस्टम के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। अनसूटेबल फॉर लार्ज स्टेट्स, अब यूनिटरी सिस्टम की ये खामी है कि वो बड़ी स्टेट्स के लिए फ्रूटफुल नहीं है। ठीक है, डोमिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अब इसमें ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है क्योंकि पॉलिसियाँ बनाना गवर्नमेंट का काम होता है और ब्यूरोक्रेसी ने उस पर अमल करना होता है, तो ब्यूरोक्रेसी की यहाँ पे मोनोपली कायम हो जाती है। इसी तरह आवाम से जो रابطہ होता है सियासतदानों का वो बिल्कुल नहीं होता, बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनका रابطہ होता है और आवाम जो हैं वो सियासतदानों के रहम व करम पे होते हैं। लेस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब यहाँ पे जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका ना होना होता है, यानी इलाकाई तौर पे जो हुकूमतें अपने इलाके की बेहतरी के लिए मरकज़ से बेहतर तौर पे कानून साजी कर सकते हैं, तो वो वाली गवर्नमेंट हमें यहाँ पे नज़र नहीं आती, यानी एक ही गवर्नमेंट होती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लोकल अफेयर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका लोकल लेवल के जो मामलात होते हैं उन पे उनकी तवज्जो जो है वो नहीं होती, क्योंकि वो मुल्की लेवल के जो बहुत सीरियस किस्म के मामलात होते हैं उन पे उनकी तवज्जो ज़्यादा रहती है, तो उसमें इलाके लेवल के जो लोग हैं उनके अंदर बेचैनी रहती है और वो तकरीबन मसाइल का शिकार रहते हैं। आखिरी पॉइंट इसका है डेंजर ऑफ सेपरेशन, तो इस किस्म के मामलात में फिर अलहदगी का ख़तरा होता है। अब बरतानिया के साथ आप देखें कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड की स्टेट्स थी जिन्होंने इल्हाक किया हुआ था, लेकिन बरतानिया के अंदर क्योंकि यूनिटरी सिस्टम है, क्योंकि वहाँ का एक ही इलाका है और उसके अंदर सूबाई हुकूमतें नहीं हैं, लेकिन बरतानिया के साथ आयरलैंड और स्कॉटलैंड की जो स्टेट्स थी उनका इल्हाक था, लेकिन एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट थी तो उसकी इन इलाकों पे तवज्जो ना होने की वजह से उनके अंदर अलहदगी की सोच पैदा हुई।